चलाओ यार। मेरी भरिया तेरे के तेरी याद
सच्चे जनाब के तेरा वक्त नु मारदा, तेरा वक्त नु मारदा, मेरा या बेला फरियाद दा साजा खुद पे बेड़े तार दा इतन सईदा। मैं हां शेख है, शेख दे बाल भंडारे खुले रखने बाल बच्चे ते कृपा करे तेरा दित्ता खाना। दंदा दर्द दे आदी फरियाद, हथा जुड़िया दी फरियाद, बाल बच्चे दी फरियाद, गऊ गरीब दी फरियाद, माल डंगर दी फरियाद, दाद पोत दी फरियाद, जिया जात दी फरियाद, पशु पक्षी दी फरियाद, मजदूर काने कर कमाउणा कर मनवाजी करनी, मौड़े जाच दी कमाई वाला मौड़ा दे नाली पीर नगाए वाला इतन सईदा। केड़िया दे गाड़िया तो माया लाई गई है, दोख जाते पर दूर करने देसा पर देसा के जहता करनी, दंडावत बंधने अनकवार सर्व कला सम्राट दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ दे सेवा बार मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न तरू तब जूझ मरू लख खुशियां पात साहियां मेरा सतगुर नदर करे निम खेत हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे महाबात अनुसार आपा बहुत बड़े भाग्या बड़े भागों वाले साडे गुरुआं पीरां फकीरां दी चलाई हुई पिरत नूं कायम रखदे हुए समूह नगर निवासी पिंड अंगा कीड़ी जिला जलंधर वल्लों तन तन बाबा दीप सिंह स्पोर्ट क्लब के सहयोग के नाल लखां दे दाता लाला वाले पीर जी के चरणों का ओत आसरा लेंदे हुए नगर की सुख शांति लई माल पशु की सुख शांति लई फसल बाड़ी की सुख शांति लई बच्चों की सुख शांति लई इलाके की सुख शांति लई सरबत दे भले लई ये सेवा विशाल कुश्ती दंगल से मौजूद करवाए जा रहे हैं जिस दे विच अज पंजाब नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नामवर पहलवान उच्च कोटी के पहलवान इस कुश्ती दंगल के भाग लैन लई पहुँच रहे हैं ते भाग लै चुके ने कुश्ती प्रेमियों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
नदेड़ साहिब की धरती के उत्ते 52 वचन कहे। एक वचन यह भी है, कोई भी काम करना हो, कोई भी कार्य करना हो, सब तो पहला गुरु महाराज के चरणों का ओत आसरा लेके फिर वह काम रंभना चाहिए। आओ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज कोई भी काम करते सन, कोई भी महल छेड़ते सन, सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे अरदास करके फिर वह काम रंभिया करते सन। लो जी आप भी गुरु महाराज के चरणों का ओत आसरा लेंदे हुए, गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों का ओत आसरा लेंदे हुए, लखां दे दाता लाला वाले चीर पीर जी के चरणों का ओत आसरा लेंदे हुए, नगर खेड़े के चरणों का ओत आसरा लेंदे हुए, छेवां विशाल कुश्ती दंगल ते मलजुद शुरू करवाउण जा रहे हैं। पहला आग्या गुरां दे कोलों लै लईए, जिहड़ा काम कीता लोड़ी है, कीता लोड़ी है, काम सो हर पै आखी है, कारज देश वार सतगुर साथ साखी है, संता संग निधान अमृत चाखी है, तै भंजन मेहरबान दास की राखी है, नानक हर गुण गाए लख प्रभ लाखी है। हे सच्चे पातशाह साढ़े इस कुश्ती दंगल दे उत्ते मेहर प्रयत रखी, किसी भी जवान नूं तत्ती वार ना लगे, जिहड़ा इह साडा कारज है निर्विघनता सहित सपूर्ण होवे। गुरु पातशाह साढ़े इस दंगल दे उत्ते मेहर प्रयत रखना है। हुण असीं निम्रता सहित बेनती करदे हां समूह दंगल कमेटी वालों, समूह पंचायत वालों, कि जिन्हें भी इत्थे पहलवान इत्थे पहुंचे ने, जिन्हें भी जुझारू योधे पहलवान इत्थे पहुंचे ने, वह छेती तो छेती खाड़े पातशाह विच पहुंचो। आपां खाड़े का आगाज आरंभ तां करिए। दोबारा फिर बेनती की जाती है, जिन्हें भी जुझारू योधे पहलवान इत्थे पहुंचे ने, वह छेती तो छेती खाड़े पातशाह विच पहुंचो, युद्ध के मैदान दे विच पहुंचो। तुहाडा युद्ध करन दा समा हो गया है, युद्ध करन दे बिगल बज गए ने, युद्ध करन दे धौंसे बज गए ने, जिन्हें भी जुझारू योधे पहलवान इत्थे पहुंचे ने, छेती तो छेती खाड़े पातशाह विच पहुंचो। आपां खाड़े का आगाज आरंभ तां करिए। इन्हां पहलवानां दे उस्तादां नूं, गुरुआं नूं, कोचां नूं भी असीं बेनती करदे हां, आपो अपने खाड़े दे पहलवानां नूं लैके छेती तो छेती खाड़े पातशाह विच पहुंचो। क्योंकि सियाणिआं ने लिखिआ है, सियाणिआं दा कथन है, समें दा राग कवेले दीआं टक्करां वाली गल ना हो जावे। आपां सूरज देवते दी हाजरी दे विच विच जिहड़ीआं झंडी दीआं कुश्तियां करवाउणीआं ने, जिन्हें भी पहलवान इत्थे पहुंचे ने, उन्हां दे फट्टे लगे ने, ओह छेती तो छेती खाड़े पातशाह विच पहुंचो जी।